हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि जो अब की बार जो नेट जेरफ का पेपर हुआ है, किसका? नेट जेरफ का, ठीक है। और ये जो पेपर हुआ है तीन फेज में हुआ है। कितने में? टोटल तीन फेज में हुआ है। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कि जो नेट जेरफ का फर्स्ट पेपर है ना, वो ओवरऑल किस टाइप का रहा है, ठीक है। ओवरऑल किस टाइप का रहा है, अभी बार जितने भी शिफ्ट हुई है, ठीक है, जितने भी शिफ्ट हुई है तीनों के तीनों फेज में, सभी के सभी का मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था। मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, और दो दिन से मैं लगा हुआ हूं। जो भी कैंडिडेट पेपर का एनालिसिस करवाते थे, जो भी यूट्यूबर करवाते थे, मैंने वहां से भी निचोड़ निकाला है। और आज मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि जो फर्स्ट पेपर है वो आजकल किस टाइप का आने लग गया है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में देखो, ऑलमोस्ट मैं जितने भी कैंडिडेटों से सुनता हूँ, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बताते हैं कि सर हमारे फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो उसी की वजह से हमारा ना तो नेट हो पा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं ना हमारा जेरफ हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आजकल जो नेट का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, वो किस टाइप का आने लग गया है, और अब की बार जो पेपर हुआ है यहाँ पर नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो किस टाइप से आया है, कहां कहां से क्वेश्चन बने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। तो मैं ओवरऑल ये जो 10-12 मिनट का वीडियो है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना और बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो 10-12 मिनट है ना, ये आपको जो फ्यूचर में पेपर होने वाला है जून 2022 वाला, उसके लिए एक तरीके से रामबाण बनने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मात्र 10-12 मिनट का टाइम लेने वाला हूं, बिल्कुल फुल डिटेल से समझा दूंगा आपको मैं। देखो, यदि हम पहले की बात करते हैं 2019 से पहले की, 2019 के बाद में जो पेपर आ रहा है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल आ रहा है, पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। यदि हम बात करें 2019 से पहले, तो 2019 से पहले जो पेपर आता था ना, बिल्कुल इजी आता था। आज आपने यदि थोड़ी सी सीरियस होकर तैयारी की है और मैं आपको 2019 से पहले का पेपर देता हूँ सोल्व करने के लिए, तो आप आसानी से 30+ क्वेश्चन तो आप तब कर जाएंगे जब आपकी तैयारी बिल्कुल कम है। और यदि आपने थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लिया, तो आप 2019 से पहले के पेपरों में आसानी से 30-35+ का स्कोर कर जाएंगे, मतलब 35+ के क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे। लेकिन आजकल नहीं हो पा रहे। अब क्यों नहीं हो पा रहे, मैं यहां पर आपके साथ बात करने वाला हूं। 2019 से पहले बात की जाए, 2017 से पहले, तो 2017 से पहले नेट का फर्स्ट पेपर कोई नहीं पढ़ता था। बहुत सारे लोग होते थे जो जेरफ निकाल जाते थे और उनके पास नेट के फर्स्ट पेपर की बुक नहीं होती थी, बिल्कुल रियलिटी है। और नेट के लिए तो वो केवल एक बार सरसरी नजर से फर्स्ट पेपर की बुक पढ़ते थे, जिसमें पहले साहित्य की बुक आती थी, उपकार की आती थी, एक अमर उजाला की आती थी। ये 3-4 पब्लिकेशन था, न केवीएस मदान था, न ऑक्सफोर्ड था, न दृष्टि वाली थी, ऐसी नहीं थी। वो छोटी छोटी बुक थी, इतनी मोटी थी, उसमें 10-10-15-15 पेज में यूनिट कंप्लीट हो रही है, 10-10-15-15 पेज में प्रत्येक यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन दे दिया विदाउट सॉल्यूशन, तो इस टाइप से आते थे। पहले रिपीट भी होते थे क्वेश्चन, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है ऐसा। अब क्यों नहीं हो रहा, मैं बात करता हूं आपके साथ। देखो, अब की बार का जो पेपर था, 2020 का पेपर देख लो चाहे 2021 का पेपर देख लो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कॉन्सेप्चुअली पेपर था। कॉन्सेप्ट का मतलब है, यदि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। आपका जो पेपर हुआ था वहां पर दो बातें बहुत जरूरी थी। सबसे पहला, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो किस टाइप की है, क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उनको समझना, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उसको बहुत सही ढंग से समझना। यदि आपने ये दोनों चीज समझ ली तो आप 100% क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे। इसके अलावा देखो, पहले जो रीजनिंग आती थी, अब मैं पहले की बात करता हूं, पहले जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे वो कैसे आते थे, एक फिक्स था, एक तो सीरीज से क्वेश्चन आता था, ठीक है, जैसे 4, 8, 12, 4, 8, 12, 14, 16 इस तरीके से, ठीक है। एक मिस वर्ड निकलवा लेता था, जैसे 4 शब्द दे दिए, उनमें से कौन सा विषम है, ठीक है। इसके अलावा एज का एक क्वेश्चन आता था, ब्लड रिलेशन का फिक्स है, यहां से हर बार एक क्वेश्चन आता था। सीरीज में वैसे दे दिया ए बी सी डी ई एफ, आजकल ये इनको गायब कर रहा है, क्या कर रहा है,
इन क्वेश्चन को गायब कर रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सभी कैंडिडेट ठीक कर देते थे। अब की बार बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिनमें रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं आए, ज्योग्राफी की दोनों शिफ्टों में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ना ब्लड रिलेशन से था, ना डीआईए से, एज से था, ना कुछ इस टाइप का, मतलब रीजनिंग गायब थी, रीजनिंग को बिल्कुल हटा दिया। तो एक तो डिफिकल्ट लेवल ये हो गया, क्योंकि रीजनिंग में हम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने भी डिफिकल्ट आए 3-4 क्वेश्चन तो कर ही देते थे सही, लेकिन अब रीजनिंग गायब ही कर दी। तो भाई एक तो डिफिकल्ट लेवल ये हो गया, पहले हमारे रीजनिंग से 3-4 क्वेश्चन ठीक हो जाते थे, कम से कम अच्छे से तैयारी करके जाता था जिसके 5 हो जाते थे, अब रीजनिंग को गायब करने लग गया, पहला डिफिकल्ट लेवल। दूसरा बात करूं मैं लॉजिकल रीजनिंग की, देखो लॉजिकल रीजनिंग में पहले क्वेश्चन किस टाइप के आते थे, इंडियन लॉजिस्ट जो भारतीय तर्क शास्त्र है वहां से पहले कोई क्वेश्चन नहीं आता था, और आता था तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन एक तरीके से जीरो। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, ऐसे गोले वाले, ठीक है। इसके अलावा एक सादृश्य था, सादृश्य मूलक, ये एक ऐसा टॉपिक था जहां से पहले हर बार एक क्वेश्चन आता था। तो लॉजिकल रीजनिंग भी बिल्कुल इजी टाइप की आती थी। इसके अलावा जैसे 4 कथन दे दिए, फिर नीचे 2 निष्कर्ष निकाल दिए, और इस टाइप से रहता था कि हम बिल्कुल आसानी से ठीक कर जाते थे। और लॉजिकल रीजनिंग को बिना पढ़े हुए, कोई नहीं पढ़ता था लॉजिकल रीजनिंग को, और बिना पढ़े हुए कम से कम 3-4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5-5 क्वेश्चन हर कोई ठीक कर देता था। लेकिन आजकल इनको हटा दिया, इस टाइप के एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे आजकल, बाई चांस किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया हो जिसकी बात अलग है, बाकी ये पैटर्न हट गया। डिफिकल्ट लेवल होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण, ठीक है, इस वजह से भी आजकल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है। तीसरी बात बताऊं मैं, जो पहले का पेपर होता था ना नेट के फर्स्ट पेपर में टोटल 10 यूनिट है, कितनी है टोटल 10 है, और पहले ऑलमोस्ट हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, किसी में ऐसा होता था किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ गए, किसी शिफ्ट से 6 क्वेश्चन आ गए, किसी से 5 आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि एक शिफ्ट से एक आ रहा है और किसी शिफ्ट से 8 क्वेश्चन आ गए। पहले इस टाइप से कवर होता था, किसी शिफ्ट से 3 आ गए, किसी से 8 आ गए, किसी से 4 आ गए, किसी से 5 आ गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत सारी शिफ्ट होती है जहां से एक क्वेश्चन आ रहा है, कुछ शिफ्ट होती है जहां से 8-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, 9-9 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो ग्रुपी वाली शिफ्ट में भी ऐसा ही हुआ है कुछ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिनमें ये वाली सिचुएशन हुई है, कहीं पर एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछ दिया 6-7, टीचिंग एप्टीट्यूड को गायब कर दिया, कहीं पर रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बना दिया उसको गायब कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का भी एक गड़बड़ हो रहा है आजकल, डिफिकल्ट होने का तीसरा कारण। चौथा कारण, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आउट ऑफ सिलेबस कैसे, मैं बताता हूं। आपने यदि नेट के पुराने पेपर पढ़े हो 2020 वाले पेपरों में भी देखा होगा, यहां पर भी आपके साथ ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। अब क्या करता है, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन देता है, पढ़े तो कहां तक पढ़े, एक आती है बात, पढ़े तो कहां तक पढ़े, पढ़े तो क्या पढ़े, इस साइड दे दिया बुकों के नाम, बुक नेम, ठीक है, 4 बुकों के नाम लिख दिया, इस साइड लिख दिया 4 कैंडिडेट, ठीक है, अब इन चारों को आपस में मिलाओ कौन से बुक कौन से किया, तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ था, ज्योग्राफी में आया था ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से 5-7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, कम से कम मैं 5-7 बोल रहा हूँ हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो 100% ऐसा लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस में है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 5-7 क्वेश्चन। ये है तीसरा डिफिकल्ट होने का कारण। अब आप बोलोगे कि सर ये ऐसा आ रहा है तो ये तो सभी के लिए डिफिकल्ट है। अरे भाई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना होने की वजह से क्या करते हैं, सब क्वेश्चन करके आते हैं, किसी का तुक्का लग जाता है, जिसका किस्मत अच्छी होती है उसके ज्यादा तुक्के लग जाते हैं, अच्छा स्कोर हो जाता है, जिसकी खराब किस्मत होती है उसके कम तुक्के लगते हैं, बेचारे के कम क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट होने का नेक्स्ट कारण, इसके अलावा देखो पहले जो डीआई देख लो, डीआई भी खैर अब की बात 2021 की बात करूं तो डीआई और पैसे दोनों मॉडरेट लेवल के थे, बिल्कुल इजी तो दे भी नहीं सकता,
लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं दिया था, एक एवरेज लेवल का था। क्या डीआई और पैसेज एक एवरेज लेवल का था। आपको थोड़ी बहुत भी मैथ आती है आप डीआई कर सकते हैं, आपकी थोड़ी सी भी समझ है, आपने 5-10 पेपर भी पैसेज सोल्व किए हैं तो आप आसानी से पैसेज सोल्व कर सकते थे। बात की जाए हर शिफ्ट में आजकल एक दो मैथ के क्वेश्चन आने लग गए। बहुत सारी शिफ्ट हैं जिनमें 3-3 मैथ के क्वेश्चन आए थे, बाकी ऑलमोस्ट सारी शिफ्टों में मैथ के क्वेश्चन 2 तो थे ही, ठीक है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जो मैथ का जो ये था क्वेश्चन थे वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। पहले क्या था परसेंट से क्वेश्चन पूछता था मैथ का, कभी पहले क्वेश्चन आ भी जाता था मैथ का तो परसेंट से पूछता था, अब पूछ रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से, सीआई से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछ लिया, पाइप टंकी, एक टंकी में यदि एक नल चालू हो रहा है, एक टंकी में दो नल चालू हो रहे हैं, एक नल 30 मिनट में भरता है, एक नल 40 मिनट में भरता है, यदि दोनों एक साथ चाले तो वो कितने टाइम में भरेंगे। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 20 मिनट में क्रॉस कर देती है या 20 सेकंड में क्रॉस कर देती है, एक पोल को 5 सेकंड में क्रॉस कर देती है, तो रेल की स्पीड बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए आजकल। पहले केवल मैथ का क्वेश्चन परसेंट से आता था, लेकिन आजकल टंकी, पाइप, काम, वर्क और टाइम, रेलगाड़ी, यहां से क्वेश्चन आने लग गए, कंपाउंड इंटरेस्ट आने लग गए। पहले ओनली सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं होने देते। हम लोग अरियंत को रटते हैं, केवीएस मैदान को पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड को पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर ये चीजें हैं नहीं। आप खोल के देख लो, आपको रेलगाड़ी के 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, तो वो भी सिंपल से, जो नहीं आते पेपर में। इंडियन लॉजिक, अब हर शिफ्ट में देख लो भारतीय तर्कशास्त्र से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कितने आ रहे हैं? 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। फालसी, तर्क दोष से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इस टाइप से थोड़े थोड़े डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, अलग टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि कोई कैंडिडेट प्रेजेंट टाइम के पेपर लेवल, पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहा है, उसका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, बहुत गजब का स्कोर कर रहा है। लेकिन यदि कोई कैंडिडेट प्रेजेंट के पेपर लेवल, पैटर्न को ध्यान नहीं रख रहा, तो उसका सही ढंग का स्कोर नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल जायज सी बात है। करंट अफेयर का क्वेश्चन की बात की जाए, तब की शिफ्ट में पिछली बार तो करंट अफेयर के 3-3, 4-4 भी क्वेश्चन थे किसी शिफ्ट में, किसी में 2 थे, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन था करंट अफेयर का। अब की बार किसी शिफ्ट में 1 था, किसी में 2 था, बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी नहीं थे। तो इस तरीके से मैं बात कर लूँ रिसर्च एप्टीट्यूड में, रिसर्च मैथडोलॉजी जो मैथड्स होते हैं वहां से क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल पूछ के, और हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इनसे बात की जाए तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन था। यदि आपने ध्यान लगाकर समझ लिया, आपने पकड़ लिया कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, तो आप बिल्कुल आसानी से ठीक कर जाएंगे। और यदि आप उसमें नाकाम रहे तो मेरे प्यारे साथियों, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन को गलत करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये पेपर हो रहा था। अब की बार अब मैं आपको एक बहुत गजब इंफॉर्मेशन दे देता हूँ भाई लोगों। देखो अब की बार जो ये पेपर हुआ था जून 2022 वाला, सॉरी 21 वाला, तो इसमें मेरा बैच चल रहा था, मेरे नेट का जो फर्स्ट पेपर था उसके बैच में टोटल कैंडिडेट थे 280। कितने थे? 280। ज्योग्राफी के बैच में टोटल कैंडिडेट थे 220। अब देखते हैं हम हमारा स्कोर, हमारे बैच से कितने कैंडिडेटों का जर्फ होता है, कितने कैंडिडेटों का नेट होता है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर बहुत शानदार पेपर हुआ है, बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर पेपर खराब हुआ है। देखो खराब सही होना बहुत बिल्कुल चलता है, ये झूला जितना पीछा जाता है उतना ही आगे जाता है, जितना आगे जाता है उतना पीछा भी जाता है, ठीक है। तो ये था पिछली बार हमारे स्टूडेंट का रेशियो, इतने कैंडिडेट थे हमारे बैच में। फर्स्ट पेपर का मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल अब का जो पेपर पैटर्न है, अब की बार जो पेपर पैटर्न था, अब की बार जो पेपर लेवल था, बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने वाला हूं मैं। अब क्या पूछ रहा है हम इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय में क्या पूछ रहा है। पहले क्या पूछता था उसको छोड़ दो भाई, वर्तमान समय में क्या पूछ रहा है पेपर, अब पेपर की क्या डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा लॉजिकल रीजनिंग, फिर इंडियन लॉजिक, फिर मैथ, फिर डीआई, फिर ये जो ऐसे टॉपिक जहां पर हम 100% स्कोर कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड जो कॉन्सेप्ट वाले, कम्युनिकेशन जो कॉन्सेप्ट वाले,
फिर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एनवायरनमेंट और थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन का पार्ट जो फैक्ट टाइप का है। तो इस तरीके से हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप यदि जून 2020 में जरफ निकालना चाहते हो, क्या जरफ निकालना चाहते हो जून 2022 में आप यदि अपना जरफ निकालना चाहते हो, जून 2022 में जो जरफ का फर्स्ट पेपर होने जरफ का पेपर होने वाला है और उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो आप हमारा ये बैच ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर की हमने फीस ओनली 700 रुपए रखी है। 700 रुपए में आपको कंप्लीटली तरीके से कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, 10 की 10 यूनिट करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो आउटसाइड से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। संडे टू संडे आपका टेस्ट होगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और बहुत गजब तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर यूनिट के आपको हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, नेट के पुराने पेपरों को हम यूनिट वाइज तरीके से सॉल्व करवाएंगे। इस तरीके से ये है हमारा जून 2022 में जेएफ निकालने के लिए बैच की स्टार्ट। यदि आप जेएफ निकालना चाहते हो जून 2022 में तो आप हमारा बैच ले सकते हो। चार्ज ओनली 700 रुपए, ठीक है, मात्र 700 रुपए फीस है। यदि आप 5,000-7,000 रुपए खर्च कर रहे हो नेट की तैयारी करने के लिए तो मैं तो सही मानता नहीं हूं भाई। नेट की तैयारी के लिए 5,000 फीस बहुत बड़ा अमाउंट है। हम यहां पर ओनली 700 रुपए में बहुत गजब से वो करवाएंगे। रिजल्ट आना आ जाने तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरे बैच का रिजल्ट क्या था। टोटल कितने कैंडिडेट हो गए, टोटल ओवरऑल 500 कैंडिडेट हो गए बैच में, 500 कैंडिडेटों का बैच था। अब देखता हूं मैं कितने कैंडिडेट हैं जो जेएफ निकालते हैं, कितने कैंडिडेट हैं जो नेट निकालते हैं। रिजल्ट मैं बताऊंगा 100%, वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, हाईएस्ट स्कोर कितना रहता है, किन का रहता है वो भी मैं बनाऊंगा। साथ ही साथ उनका मैं लाइव इंटरव्यू भी लेके आऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ा था, उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, उनका जेएफ कैसे हुआ, वो कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल 100% बहुत गजब तरीके से हम देखो, एक तरीके से ये चीज ध्यान रखो, अब ये जो YouTube चैनल है ना वो केवल हायर एजुकेशन को समर्पित है। हायर एजुकेशन का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेएफ, सेट, PhD, इनको बिल्कुल कंप्लीटली लूप से समर्पित है। यदि आप हायर एजुकेशन से जुड़ा रहना चाहते हो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जेएफ निकालना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो अभी आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं इन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों देखने के लिए। थैंक्स, बाय।